अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बलोची फ्राइज़ बनाना। बलोची फ्राइज़ के लिए जो है आलू जो मैंने लिए हैं वो लाल आलू लिए हैं, और अगर आप चाहें तो जो आज रेगुलर आलू मिलते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल आलू इसलिए लिए हैं कि इससे जो है ये भुरभुरे भी होते हैं और ज़रा मीठा होने के चांसेस के कम होते हैं, तो ये इसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने 1 किलो के करीब जो है वो आलू लिए हैं। लहसुन, हरी मिर्चें, कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ये मैं इसके साथ मिक्स करके जब पोटैटोज़ को बॉईल करूँगी तो उसमें जब कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी तो इसके साथ ये मिक्स करके फिर इसको फ्राई करूँगी, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। फ्राइज जब रेडी हो जाएंगी तो इसमें मसाले ऐड किए जाएंगे, तो मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ। ये मसाले जो हैं सब मिलाकर आपको उसको बनाना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले जो है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, टाटरी पाउडर आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ कर लें वरना रहने दीजिएगा, लेमन 1/2, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। पानी को अच्छी तरीके से बॉईल कर इसमें आप जो है फ्राइज जो आपने कट करी थी वो ऐड कर दें। इसमें 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पानी में डालकर, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरीके से आलू को बॉईल कर लें और इसका पानी जो है वो आप निकाल दीजिए। पानी निकाल कर आप उसमें ठंडा यख पानी ऐड करके फिर इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर में नमक और मिर्चें लगाकर मैं मिक्स कर लूँगी और वो उसमें ऐड कर लूँगी। इसको मैंने 2 मिनट के लिए हॉट वाटर में बॉईल किया है और फिर उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल कर इसको ठंडे पानी से धो लिया है। उसके बाद अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर के अंदर मैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर मिक्स कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर लगाकर आप इसको अच्छी तरीके से इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। जब अक्सर नहीं होता है कि बनाकर आप इसको ज़्यादा आलू हो तो आप इसको इस तरीके से बनाकर बैग में डालकर या किसी भी शॉपर में डालकर आप इसको रख दें और निकाल कर इसको डीप फ्राई कर लें तो बिल्कुल क्रिस्पी भी रहती हैं और अच्छी भी रहती है। टू टेबल स्पून ऑयल ले लिया है मैंने, गार्लिक जो मैंने कट करी थी वो फ्राई कर ली हूँ, हरी मिर्चें,
खूब अच्छी तरीके से फ्राई करें। इसकी सारी जो है फ्राई करने से हरी मिर्चों का जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसकी अगर आप बीज निकाल देंगे तो ये ज़्यादा मिर्च स्पाइसी भी नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें आप फ्राइज जो आपने बनाई हुई है इसमें ऐड कर दें।